अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप है इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। तो गाइस शुरू करते हैं हमारी एपिसोड जुनून यारम किस्त नंबर 15 सेकंड पार्ट तहरीर अरीशा। इंस्पेक्टर सारम, हमें बहुत खुशी हुई आपने इतनी दिलेरी से इतना बड़ा केस हल कर लिया। बल्कि एक ही नहीं, आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ों में हाथ डाला और सिंगल माइंडेड आप इसमें कामयाब रहे हैं। आपने सच में साबित कर दिया कि इंसान हिम्मत वाला हो तो बड़े से बड़ा मास फतह कर सकता है। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ वो 18 लोग थे। वो काफ़ी परेशानी से इन्हें देख रहा था, जबकि ऑफिसर पता नहीं इसकी कौन कौन सी तारीफ कर रहा था। इसे तो बस ये पता था कि इन लोगों को यारम तक वापस पहुँचाना था, लेकिन कैसे वो नहीं जानता था, और वो भी जिंदा सलामत। ये तो काफ़ी मुश्किल काम था। जल्द ही हम इन्हें कोर्ट में पेश करके इनके खिलाफ अगली कार्रवाई करेंगे। मुझे यकीन है इन लोगों को फांसी होगी, इसके साथ खड़ा ऑफिसर बोल रहा था, जबकि इसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया था। यानी कि कोर्ट ले जाने से पहले इन सब लोगों को यहाँ से निकलवाना था। इसे समझ नहीं आ रहा था यारम ने इसकी मदद की थी या उल्टा इसे बहुत बड़े मसले में फंसा दिया था। अपनी नौकरी के जाने से कहीं ज़्यादा खौफ इस वक्त इसे यारम से महसूस हो रहा था। अगर इनमें से किसी एक इंसान को भी कुछ हो गया तो सबसे पहले यारम खुद इसे जहन्नम वासिल करने वाला था। क्या हुआ इंस्पेक्टर सारम, आप पुरसकून नज़र नहीं आ रहे, सीनियर ऑफिसर ने सारम से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। सुकून तो इसका यारम तबाह कर चुका था, अब इसे सुकून कहाँ मिलना था। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ता वो वहाँ से बाहर निकला था। अब इसने सोचा था कि वो ये मामला किस तरह से हल करेगा, क्योंकि यारम इसकी नौकरी बचा कर इसे एक और बड़ी मुसीबत में डाल चुका था। फिर भी वो इसका शुक्रगुजार था। इसके दोस्त ने इसकी खातिर इसकी नौकरी बचाई थी, वरना यकीनन वो खुद इन लोगों को इनके बहुत ही बुरे अंजाम तक पहुंचाने वाला था। और सारम जानता था कि जितनी बुरी हालत में वो इन्हें पहुंचाने का इरादा रखता था, सारम की सोच भी वहां नहीं जाने वाली थी। इसलिए बेहतर था कि वो किसी भी तरह से इन लोगों को यारम के हवाले कर दे, जो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इसने करना तो था, क्योंकि अब ये लोग इसके पास यारम की अमानत थे, जिसे वो किसी भी तरह से यारम तक पहुंचाने का इरादा रखता था। लेकिन इससे पहले इसका इरादा इसके पास जाकर इसे शुक्रिया बोलने का था।
यकीनन अब कोई भी इसके पीछे नहीं आने वाला था, अब कोई भी इस पर नज़र नहीं रखने वाला था। वो हर तरह की सोच से बेफिक्र हो चुका था। देखो लैला, अब ये साफ हो गया ना, अब छोड़ दूँ इसको? यार इसका काम ख़त्म करके मैंने दूसरा काम भी करना है। अभी छत के ऊपर से बेड शीट्स भी उतार कर लेकर आनी है, जो मैंने अपने हाथों से इतनी मेहनत से धो कर डाली है। हिजर ने मैट इसे दिखाए थे जो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे लग रहे थे। आखिर इतनी मेहनत की थी, घिस घिस कर धोए थे, अब भी साफ ना होते? नहीं, इन्हें एक दफ़ा फिर से धो। और तुम लोगों की निगाहें ऊपर क्यों उठी हैं? मंडे को पेपर है तुम लोगों का, इसने हिजर को सख्ती से कहते हुए अपने सामने बैठी छिपकलियां देखी थी, जो अभी अभी दूध का गिलास ख़त्म करने के बाद अब किसी भी बहाने से यहाँ से निकलने को तैयार थी। लैला ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अभी तक उन्होंने पेपर की तैयारी नहीं की थी। तैयारी तो दूर, इन्हें जो कुछ लैला पर हागर गई थी वो भी इन्हें याद नहीं रहा था। और इस वक्त लैला का हाल इतना बुरा हो रहा था कि हद नहीं। अगले टेस्ट पर इनका फोकस करवाते हुए, इनके बुरे हाल को देखते हुए, इसने ज़ोर से चीख कर हिजर को बुलाया था, जो बोतल के जिन की तरह इसके सामने हाजिर था। हाथ आगे करो अपना, इसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तो इसने हैरत से इसे देखा था। मामा हम याद कर लेंगे, और बाबा को मत मारो। मेहर ने फौरन से पहले उठकर हिजर को अपनी माँ से बचाया था। तुम पीछे हटो, अगर इतनी पढ़ने वाली होती तो अब तक पढ़ चुकी होती। वो इसका बाजू पकड़कर इसे पीछे करती हिजर के हाथ पर जोर से रूलर मार चुकी थी। हाय अल्लाह जी, मर गया। हिजर ने अपने हाथ को जोर से हिलाते हुए कहा, तो अनायत आंखों में आंसू लाए अपने बाप को देख रही थी। अब हमारी गलती पर हमें मारना, बाबा को नहीं, मेहर ने गुस्से से लैला को देखते हुए कहा था। जिसने एक नज़र इसे देखा वो अपना गुस्सा शांत करती फौरन वापस बैठ गई थी। हिजर ने नोट किया था वो गुस्से में बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बेटा तुम लोग अपने पेपर दे कर आना, फिर देखना मैं तुम लोगों की चमड़ी कैसे उधेड़ती हूँ। बल्कि तुम लोगों की क्यों, तुम्हारे बाप की उधेड़ूंगी, जिसने तुम लोगों को सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। लैला गुस्से से कहती हिजर को जाने का इशारा कर चुकी थी, और वो बस एक बेबस नज़र अपनी बेटियों पर डालता बाहर निकल गया था। जबकि अपने बाप को इस तरह से मार खाने के बाद इन दोनों ने अहद किया था कि अब वो शराफत से पढ़ाई करेंगी, वरना इनकी माँ तो इनके बाप को जान से ही मार डालेगी। हर थोड़ी देर के बाद वो इनकी एक एक गलती पर कैसे इनके बाप को बुलाकर मार रही थी, नहीं नहीं इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
इनका बाप इनकी खातिर ही तो वो सब कुछ कर रहा था। अब कैमरे खराब हो जाने के बाद ना जाने कैसे इनकी माँ ने सब कुछ देख लिया था, वरना तो इन लोगों का प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग था। मामा, ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा, अनायत ने अपनी कॉपी को एक तरफ रखते हुए लैला से कहा। तो लैला ने एक नज़र इसे देखते हुए हिजर को आवाज़ देनी चाही थी। नहीं नहीं, हो जाएगा, हम अभी कर लेंगे, अब इतना भी मुश्किल नहीं है। महर ने फौरन अनायत का बाजू पकड़ कर इसे अपने करीब बिठाया था। अब इतनी सी बात पर वो दोबारा से अपने बाप को पिटते नहीं देख सकती थी। हो ही जाना चाहिए, लैला ने इन्हें घूरते हुए कहा था, जबकि वो दोनों हाँ में सर हिलाती एक दफ़ा फिर से अपनी बुक्स पर झुक गई थी। जबकि लैला मुस्कुराहट दबाए उठकर बाहर निकल गई। लैला फर्श चेक करो, अच्छे से धोया है मैंने, इतने अच्छे से खुद कभी भी साफ नहीं किया होगा तुमने। हिजर इसे देखते हुए अपना कारनामा इसके सामने पेश किया था। हाँ ठीक है, भूख लग रही होगी तुम्हें, खाने में क्या बनाऊँ? लैला ने एहसान करने वाले अंदाज में पूछा। तो वो अपना झाड़ू पोछा वहीं छोड़कर तेज़ी से इसके पास आया था। बहुत सारा प्यार बना दो मेरे लिए, बहुत सारे किसिस के तरके के साथ। हिजर इसे अपनी बाहों में लेकर इसके लबों को चूमते हुए बोला था। जबकि लैला इसके कंधे पे हाथ मार के इसे खुद से दूर कर गई। इसके मुस्कुराते लब हिजर को ग्रीन सिग्नल दे गए थे। हाय मिसेस, इतनी प्यारी मुस्कुराहट। इसका चेहरा अपने हाथों में थामता हुआ वो पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुका था। बस ठीक है, अब ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके कंधे पे हाथ मारती इसे खुद से दूर करते हुए बोली थी। फ्री होने कहाँ देती हो, मेरा दिल तो चाहता है कि चुप कर जाओ, तुम्हारी बेटियों के कान इधर ही हैं, सुकून से पढ़ने दो इन लोगों को और दुआ करो कि ये जो क्वेश्चन है वो हल कर लें, क्योंकि अगर एक घंटे में होने वाला इनका टेस्ट ख़राब हुआ ना, तो मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों पर अपने हाथों से पानी डालूंगी। वो इसे पीछे हटाते हुए धमकाने वाले अंदाज में बोली। जालिम हो तुम, इसके लबों को चूमते हुए वो मुँह बनाते हुए बोला। तो लैला खिलखिला कर हंसी थी। तुम्हारी सोच से ज्यादा, चलो काम करो, खाना बनाने जा रही हूँ मैं। घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। इसे पीछे हटाते हुए वो मुस्कुरा कर अपने काम में मगन हो गई। तो हिजर भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने लगा था। लैला जानू, इजाज़त हो तो ऑफिस का एक चक्कर लगा के आ जाऊं, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। कैसी गड़बड़, लैला ने परेशानी से पूछा था। यार, वो सारम का एक मसला चल रहा था, यारम ने इसे हल किया होगा या नहीं, बस यही जानना चाहता हूँ।
ठीक है, चले जाओ, जल्दी आना, वेट करूंगी, तुम्हारा पास्ता बना रही हूँ, लैला ने कहा तो वो दिल पे हाथ रखता फिदा होने वाले अंदाज में इसे फ्लाइंग किस पास करता जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने के लिए भागा था, क्योंकि घर में तो इसकी हालत बिल्कुल रामू काका जैसी थी। क्या मतलब, ऐसे कैसे जेल से चार लोग भाग गए? आप लोगों का होश कहाँ था? इतनी मुश्किल से मैंने इन लोगों को पकड़ा था, इसीलिए मैं इस सारे केस में पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता था। सब कुछ अकेला आराम सुकून से कर रहा था, लेकिन नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि उर्वा इसको पागलों की तरह शोर मचाते देख चुप रहने का इशारा कर गई तो वो इसे सॉरी करता कमरे से निकल गया था। फ़ोन पर इसके सीनियर ऑफिसर थे। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर सारम, मुझे खुद भी समझ नहीं आया, वो लोग जेल में थे, इस तरह अचानक वो लोग कैसे भाग सकते हैं? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, सीनियर ऑफिसर इससे माजरत कर रहा था। आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा इनका। अब आपको इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, मैं खुद ही देख लूँगा, इसने गुस्से से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था और फिर गहरा सांस लेते हुए इसने यारम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। हाँ यारम, तुमने इन लोगों को पकड़ लिया ना? वो काफ़ी जोश से पूछ रहा था। तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जैसे तुमने खुद इन्हें जेल से भगाकर हमारे पास पहुंचाया हो? यारम ने सख्ती से कहा तो वो मुंह बना गया था। अरे मैं कल इन लोगों को छोड़ने वाला था जेल से, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हें वो लोग आज ही चाहिए, तुम पहले ही सब कुछ प्लान करके मुझे क्यों नहीं बताते हो? कल तक वो लोग तुम्हारे पास पहुंच जाते, लेकिन नहीं, तुम्हारा आज ही मर्डर करने का दिल कर रहा था, तो मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ भाई, तेरा कोई कसूर नहीं है, तू फ़ोन रख, मुझे इन लोगों को मारने दे, यारम ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। जबकि वो जो इससे ये कहने वाला था कि लाशों को सहरा की साइड पर फेंकना समुंदर की तरफ नहीं, वो कह ही नहीं पाया था। बाबा चॉकलेट लेकर दो ना, बाबा चॉकलेट लेकर दो ना, या रोयाम ने तीसरी दफ़ा इससे कहा, जबकि वो हर बार इनकार कर रहा था। तेरे बाप का मुलाजिम हूँ जो तुझे चॉकलेट खिलाता रहूँगा, वैसे एक डील कर मेरे साथ तो सोचा जा सकता है तेरी चॉकलेट के बारे में। वो इसे उठाकर अपने कंधे पर डाले मार्केट के अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला था। कौन सी डील? कौन सी डील? वो इसके कंधे पर सवार बिल्कुल छोटा सा खरगोश लग रहा था, और ऊपर से आज रू ने इसे अपनी फेवरेट रैबिट वाली शर्ट पहनाई थी। 10 किसेस वाली? मंजूर मंजूर,
रोयाम की बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी जब उसने पूरे जोश से कहा, शर्त पहले पूरी तो सुन ले, किस तुझे पहले करनी होगी, बाद में नहीं, पहले तू मुझे किस देगा, इसके बाद चॉकलेट तुझे लेकर दूंगा। ये क्या बात हुई, ऐसे तो नहीं होता, ये क्या बात हुई, ऐसे तो नहीं होता, वो मुँह बना कर बोला था। ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, और ऐसा ही होगा, बोल अगर शर्त मंजूर है तो, स्टोर की तरफ चलते हैं, वरना यहीं से सामान लेकर वापस। वो अभी बोल ही रहा था जब इसे अपने गाल पर ठंडा ठंडा किस मिला था, और फिर इसने इसके दूसरे गाल पर झुकते हुए वहाँ पर भी किस कर ही दिया था। चॉकलेट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। क्या ये कहना ठीक रहेगा कि चॉकलेट के लिए यारम इससे कुछ भी करवा सकता था। वो इसे लिए सीधा स्टोर की तरफ आते हुए इसे अपने कंधे से गोद में मुंतकिल कर चुका था। 10 चॉकलेट्स लूँगा, इसने हुक्म सुनाते हुए एक दफ़ा फिर से यारम का गाल पूरी शिद्दत से चूमा था। यारम का बस चलता तो वो पूरा स्टोर ही इसके हवाले कर देता, लेकिन इतनी भी चॉकलेट उसके लिए अच्छी नहीं थी। हाय दोस्त, कैसे हो तुम? यारम अभी इससे अपना चौथा किस वसूल करने वाला था जब इसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। आरत इसके पीछे खड़ा काफ़ी फ्रेश लग रहा था। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कल रात मेरे घर में इंट्री लेने में नाकामयाब होने के बाद तुम कैसे हो? यारम ने इसे देखकर पूछा था। इतने बड़े डॉन के घर में इलेक्ट्रिक वॉर्स लगी हुई हैं, मतलब डॉन ड्रैवल लोगों को करंट देकर अपने घर से दूर रखता है, वो मज़े से कहता रोयाम की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो वो फौरन इसके पास आ गया था। अंगूठा लग गया तुम्हारा, यारम को रोयाम को वापस अपने करीब करते हुए इसे घूर कर आरत से पूछने लगा तो रोयाम फौरन उसके कंधे पर अपना सर रख गया था, मतलब इसके बाप को पसंद नहीं आया था इसका आरत के करीब जाना। हाँ लग गया था, शुक्रिया, इससे मुझे फ़ायदा हुआ है, और मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता था, इसने कहते हुए दूसरी बात कह दी तो यारम ने एक नज़र इसे देखकर कंधे उचकाए थे। तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी नहीं है कि मैं दुबई का डॉन हूँ और जिस लड़की के पीछे तुम लगे हो इसका भाई? हाँ वही, मैं अपने साले के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम दुबई के डॉन हो, और इसके अलावा कुछ और भी? इसकी निगाहें यारम के चेहरे पर जमी थी, जबकि यारम ने इशारे से इसे मजीद पूछने के लिए कहा था। नाम क्या है तुम्हारा? इसकी निगाहें इसकी आँखों पर जमी हुई थी।
वो कंफ्यूज हो रहा था। वो एक नज़र इसे देखता तो इसकी आँखों का रंग नीला होता, दूसरी दफ़ा निगाहें उठाकर देखता तो वो सब्ज़ नज़र आती। सैयद यारम कासमी, वो पुरसकून अंदाज में जवाब दे गया। और तुम्हारी आँखों का रंग, वो बेसाख्ता पूछ बैठा। अब की दफ़ा यारम का डिम्पल नुमाया हुआ था। इस तरह का पर्सनल सवाल तो कभी मेरी बीवी भी ने भी नहीं पूछा। खैर, ये ओपल है। ओपल मतलब? वो कंफ्यूज सा मज़ीद सवाल जवाब करने लगा। इसकी आँखों ने इसे इम्तहान में डाल दिया था। मैंने आज तक आशिक मजाज दुश्मन नहीं देखा। अब ये मत कहना कि तुम मेरी आँखों पर फिदा हुए पड़े हो। इस तरह का हक मैं सिर्फ अपनी बीवी को देता हूँ, लेकिन वो मेरी आँखों पर नहीं बल्कि मेरे टिम्पल्स पर फिदा है। ये सबस और नीली आँखों का मिक्सचर है। सब्ज रंग थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसे ज़्यादातर ओपल ग्रीन कहते हैं, लेकिन ये ब्लू की शेड भी काफ़ी ज़्यादा देती हैं। इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग हैं जो इस तरह की आँखों के मालिक होते हैं, और मैं और मेरा बेटा इन्हीं 2% लोगों में शामिल है। वो आँख दबा कर बोला तो रोयाम भी जोश से चहका था। वो खास था दुनिया के लिए। दोस्त, मेरे बाबा सबसे हैंडसम है इस दुनिया में। दोस्त, मेरे बाबा सबसे हैंडसम है इस दुनिया में, रोयाम ने जोश से कहा था, जबकि सामने खड़े आदमी को शायद आज ये बात कबूल करनी पड़ रही थी। जबकि उसके दोस्त कहने पर यारम ने रोयाम को घूरा था। हाँ, वो इसके बेटे का दोस्त था और बाप का दुश्मन। मेरा नाम आरत जबे है। मैं हयात के सगे मामू का बेटा हूँ। हमारा बचपन में निकाह हुआ था इसके माँ बाप की मर्जी से, लेकिन बाद में हालात ख़राब हो गए। मेरी फुप्पो के इंतकाल के बाद इन लोगों ने हमसे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर दिया। हयाम नहीं जानती हमारे निकाह के बारे में कुछ भी। मैं इसकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ एक अच्छे हमसफ़र की तरह, और मुझे यकीन है कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे। मेरे दिल में हयाम के लिए बहुत सारी मोहब्बत है। तुम मुझे हर तरह से आजमा सकते हो, चाहो तो कोई भी टेस्ट ले सकते हो। मैं अपनी मोहब्बत में 100% खरा उतरूँगा। मैं जानता हूँ इसका बाप गलत किस्म के काम करता था, और हकीकत तो ये है कि इसकी दौलत को देखकर मेरी माँ ने मेरे बाप से तलाक लेकर हयाम के फादर के भरे भाई से शादी कर ली थी। मेरी माँ को दौलत के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, इसीलिए वो दौलत के लिए मुझे भी इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन मैं हयाम के लिए अपने सच्चे जज्बात रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, सच कहूँ तो मेरी माँ भी नहीं, और ना ही मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। वो आजकल अपने शोहर की इद्दत पूरी करने के बजाय
किसी तीसरे को डेट कर रही है और मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़िंदगी में कहीं पर भी मेरी कोई जगह है। मैं पूरी कोशिश करूँगा हयाम को खुश रखने की। अब तुम बताओ कि मैं हयाम की ज़िंदगी में किस तरह से दाखिल हो सकता हूँ। पुरसकून अंदाज में बोला। तो यारम ने इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज पर इसे सराहा था। हाँ, इसे ऐसे लोग अच्छे लगते थे जो खुलकर बात करते थे। अयाम मेली है, मैं बला होते इससे शादी तोड़ूंगा। हयाम मेरी है, मैं बड़ा होकर इससे शादी करूंगा। वो पता नहीं क्या क्या बोलने वाला था जब करीब बैठे रोयाम ने मुंह बसोर कर कहा। हाँ तो कहाँ गए वो लोग जो यारम की आंखों का कलर जानना चाहते थे। कहीं पर सब्ज लिखा है, कहीं पर नीला लिखा है। मैं भी आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। देखने वालों को कभी वो नीले रंग की नज़र आती हैं तो कभी सब्ज रंग की नज़र आती हैं। ये कलर बहुत रेयर है जो कि इस दुनिया में सिर्फ 2% लोगों में पाया जाता है। बहुत लोगों के पूछने पर मैंने बताया भी था कि वो नीले और सब्ज रंग का मिक्सचर है यारम की आंखें, लेकिन फिर भी लोग सवाल करते हैं। बाकी ये वाली एपिसोड लाइक कर दो। दूसरी लिख रही हूँ, रात लेट आ जाएगी और इस एपिसोड का टारगेट है सिर्फ 1500 लाइक और सब्सक्राइबर्स मेरे 50,000 पूरे हो चुके हैं, तो नो डिमांड। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए लाइक करें। और हाँ, कल यार सितम घर पर मुझे बहुत मायूस किया है आप लोगों ने। खैर, अगले दिनों देखना मैं कैसे आपको तरपाती हूँ उस नावल के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपनी राइटर को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।